प्रियो, क्या आपको कभी यीशु मसीह का असली चेहरा देखने को मन किया है? सच में आप यीशु का चेहरा देखने चाहते होंगे। 3D कंप्यूटर ग्राफिक आर्टिस्ट रे डॉनिंग ने कई सालों से छिपी जो एक ऐसी मिस्ट्री जो कई सालों से दफन थी, जिसे 2000 साल तक कोई सुलझा नहीं पाया था, उसे कुछ साल पहले कंप्यूटर ग्राफिक के मदद से सुलझा दिया गया है। आज से पहले लोग सिर्फ अपनी भावनाओं में सोचकर यीशु मसीह का पेंटिंग्स बनाते थे, और जितने भी मूवीज यीशु मसीह पर बनाई गई है उसमें जो शख्स जीसस क्राइस्ट की एक्टिंग करता था उसका चेहरा भी काल्पनिक रूप में बनाई जाती थी कि यीशु मसीह शायद ऐसे दिखते होंगे। लेकिन हम सब यीशु मसीह का असली चेहरा देखना चाहते होंगे। इटली के एक शहर की एक चैपल में एक चादर है जो बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया है। कहा जाता है कि ये वही चादर है जिसे यीशु मसीह को सलीब से उतार कर लपेटा गया था, जिसमें खफन दफन किया था। इस चादर को श्राउड ऑफ टोरिन कहते हैं, जो 14 फुट लंबा एक लिनन चादर है। कहा जाता है कि इस चादर पर यीशु मसीह की शक्ल छाप गई थी और उसे देखने वहां हर रोज लाखों लोग जाते हैं। इस चादर की इस तस्वीर लेकर रे डॉनिंग ने 3D कंप्यूटर की मदद से यीशु मसीह की असली शक्ल बनाने की कोशिश की, और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। ये सूरत एक हसीन शख्स की है। प्रियो, क्या यही है यीशु मसीह का शक्ल? पवित्र शास्त्र में यशया नबी की किताब में लिखा है, यशया नबी 53 अध्याय उसका दूसरा वचन से लेकर 5वां वचन तक हम जब पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा गया है, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारी रोगों को सह लिया और हमारा ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारा ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। बाइबल कहती है, यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था तब दिखने में सूरत नहीं थे, क्योंकि अगर वो खूबसूरत होते तो सभी लोग खुशी खुशी उन्हें अपना मसीह या राजा कबूल कर लेते, मगर ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह की शक्ल जिस श्राउड ऑफ टोरिन से बनाई गई है उसे कुछ लोग आज भी असली चादर समझते हैं जिसमें यीशु मसीह को लपेटा गया था। मगर प्रियो, ये चादर AD 1354 साल में सबके सामने आई थी और लोगों ने इसे पूजना शुरू कर दिया था। लेकिन 1379 में रोमन कैथोलिक चर्च का एक लोकल बिशप ट्रॉइस ने इसकी हकीकत खोल कर रख दी थी कि ये एक फेक चादर है, ये एक नकली चादर है, इसका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं, ये वो चादर है ही नहीं जिसमें यीशु मसीह को रखा गया था। पवित्र शास्त्र के अनुसार यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का सिर पर एक कपड़ा अलग से लपेटा गया था जिस पर यीशु मसीह की शक्ल छपने की चांसेस ज्यादा थे, मगर यह श्राउड वो कपड़ा नहीं है। उस कपड़े के बारे में लिखा है, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह की चेले लोगों ने आकर देखा तो यीशु मसीह के सिर पर बंधा गया उस अंगोछा अलग से एक जगह में फोल्ड करके किसी मनुष्य ने जैसे फोल्ड करके रखते हैं वैसे रखा हुआ पाया था। इसलिए रेडोनिंग ने जो शक्ल बनाई है क्या वो यीशु मसीह की शक्ल है कि नहीं? अगर हम ध्यान दें, रेडोनिंग ने जो शक्ल बनाई है इसमें और उन तमाम शक्लों में जो यीशु मसीह के नाम पर पेंटिंग्स बनाई जाती है उनमें कोई फर्क हमें दिखाई नहीं देता, जैसे घोरा रंग, लंबे बाल, दाढ़ी मूछे, लंबी पतली नाक, खूबसूरत आंखें और वह सब कुछ जो आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतारने वाली चीजें हैं, ये बिल्कुल वैसे ही शक्ल है। लेकिन पवित्र कलाम में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यीशु मसीह की रंग या शक्ल कैसे थी। लिखा है तो यही लिखा है
कि यशायाह नबी 53 का 2 अध्याय में हमने जो पढ़ा था कि वो दिखने में तो उतना खूबसूरत नहीं थे, लेकिन रेड ओनिंग ने ये तस्वीरें बनाकर अपनी वेबसाइट बना रखी है, जहां आपको यह शक्ल में बनी यीशु मसीह का तस्वीरें खरीदने के लिए आसानी से मिल जाएगी। यानी इन तस्वीरों को बेचा जा रहा है, मतलब ये वही बिजनेस मॉडल है जो श्राउड ऑफ टोरिन के नाम पर यीशु मसीह की झूठी मोटी तस्वीरें बनाई जाती है जिनसे वो बिजनेस किया जाता है। ये सब करने पर रेड ओनिंग को एमी अवार्ड्स ने अवार्ड्स भी दे रखा है। मेरे हिसाब से ये यीशु मसीह की तस्वीर है ही नहीं। प्रियो, इस तरह की झूठी बातों से बचकर रहिए। बाइबल कहती है मत्ती 5 अध्याय उसका 8वां वचन में, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, यदि आप परमेश्वर को देखना चाहता है कि उनका शक्ल कैसा है, उस प्रभु को जानना चाहते हैं, तो बाइबल में लिखा है जिसका मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखने पाएंगे। आज नहीं तो कल हमारी सबसे बड़ी आशा यही है कि हम हमारा परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, उनका चेहरा हमें दिखाई देगा। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय उसका 7वां वचन में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। प्रियो, हर एक आंख हमारा प्रभु यीशु मसीह को देखने वाला है। और अगर आप अपनी व्यक्तिगत जीवन में चाहते हैं कि आप प्रभु को दर्शन पाए, तो ज़रूर आप प्रार्थना करें कि आपका जीवन में सपना या दर्शन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने पाए। आप सबको जय मसीह की। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।